अनबॉक्सिंग एंड आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं बोया का विलार 9 जो कि मुझे अमेजोन की सेल पे अराउंड 750 रुपीस का मिल चुका था। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं एंड अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। सो गाइस ये है हमारा बोया का बॉक्स एंड इसे बोया की बैजिंग आती है और उसका BY-M1 इसका मॉडल नंबर है एंड पीछे इसके कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। ऐसे आपको मिलता है क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन्स, DSLRs, कैम रिकॉर्डर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PCs एंड एक्सेट्रा। उसके साथ ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन है और हाई क्वालिटी कंडेंसर्स आइडियल फॉर वीडियो यूज़ और लो हैंडलिंग नॉइज़ है। इसके साथ आपको मिलती है लेपल क्लिप, LR44 बैटरी, फोम विंडस्क्रीन एंड 1/4 अडेप्टर। और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 65 हर्ट्ज से लेकर 18,000 हर्ट्ज तक की है और इसमें बैटरी LR44 मिल जाती है। इसके वेट माइक्रोफोन का है 2.5 ग्राम और पावर मॉड्यूल का है 18 ग्राम। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर का बोया की ब्रांडिंग के साथ बहुत अच्छा पाउच, बहुत सॉफ्ट है एक्चुअली, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। साथ अंदर हमें मिलते हैं कुछ चीज़ें, पहले मैं चीज़ें निकाल लेता हूँ। इसको हम पाउच को, ब्लैक कलर का पाउच है एंड सीरियसली मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसको आप क्या बोलते हैं, अपने कहीं अगर बैग कहीं जाते हैं ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करने के लिए और उसको बड़ी तरीके से आराम से रख सकते हैं बैग में अपने, तो ये मिल जाता है हमारा माइक। इसको साइड रखते हैं, उसके बाद जल्दी खोलते हैं। इसमें वो फॉर्म विंडस्क्रीन मिल जाती है, मिल जाती है लेपल क्लिप, स्टील की सब कुछ है और ये आगे का प्लास्टिक का लगा हुआ है। तो आपको मिल जाता है 1/8 गोल्ड प्लग अडैप्टर। और आपको मिलती है ये LR की 44 बैटरी, वो हम लोग लगाइए तो सो गाइज। एंड इसमें आपको कैमरा का ऑप्शन दिया है एंड ऑफ और स्मार्टफोन्स का। जब आप इसे यूज़ करेंगे कैमराज के तो आप इसे ऊपर स्विच करिए एंड जब आप स्मार्टफोन जैसे आपको साउंड रिकॉर्ड करनी है कुछ भी तो आप इसको स्मार्टफोन की तरफ स्विच कर देते हैं और आपको बीच में रखना है जब ये ऑफ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। एंड मैं इसके खोल दिखाता हूँ कितना लंबा तार है। एक्चुअली माइक्रोफोन वाला जो भी ये तार है बहुत ही लंबा है एक्चुअली, आराम से कर सकते हैं। इसमें मैं अटैच लगा लेता हूँ, पहले तो ये विंडस्क्रीन लगा लेता हूँ तरीके से अटैच हो गया यहाँ पे। ये अटैच हो गया, ये भी बढ़िया अच्छा माइक लग रहा है। आप उसको अपनी यहाँ क्लिप पे जिक्र करा सकते हैं, इसको तो अभी बाद में यूज़ होगा। बाद में इसको ये भी ओपन करके दिखाता हूँ कितना लंबा तार है। ये बहुत ही लंबा था तो आप इजीली व्लॉगिंग कर सकते हैं आराम से। एंड ये जो हमें अडैप्टर्स उसमें मिलता है लैपटॉप के चार्जर्स में जो मिलता है वो उसमें मिला है। एक्चुअली बहुत ही लंबा तार है, एक्चुअली बहुत लंबा तार है। सो आप ऐसी रहने दीजिए, अपने हिसाब से यूज़ करिएगा जितना आपको यूज़ करना है। तो अभी मैं इसकी वीडियो क्वालिटी चेक कर दिखाता हूँ। तो गाइस ना अभी मैंने सबको सेटअप कर चुका हूँ, इसको मैंने इसके अंदर बैटरी डाल दी है ओपन कर,
और अभी ये स्मार्टफोन मोड पे है जो कि ऑफ मोड है. जब मैं इसे कैमरा मोड पे डालूंगा तो ये आ जाएगा ऑन मोड पे. एंड आपके लिए काफ़ी यूजफुल चीज़ है, माइक ब्लॉगिंग व्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए. जो है आप नॉर्मल साउंड रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हैं या फिर कैमरा मोड यूज़ कर सकते हैं. और अभी मैं इसका क्या बोलते हैं वो दिखाऊंगा आपको साउंड टेस्ट. सो गाइस मैंने ना अभी इसको कैमरा मोड पे डाल लिया है जो कि ऑन मोड है. आपको मेरी कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है, साउंड क्वालिटी कैसी सुनाई दे रही है, लाउड और अच्छी सुनाई दे रही होगी क्लियरली. एंड आपको इस माइक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. एंड आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस माइक कैसा लगा है एंड इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी है. मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग.